नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवा टाइम्स। देश में इस समय कोरोना वायरस है उसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और जो कोरोना वायरस फाइटर्स हैं वो दिन रात मेहनत करके इससे उबारने में लगे हुए हैं। ऐसे ही ये कोरोना फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टर हैं, बाहर के रहने वाले हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर वामी गुसैन, राम मनोहर लोहिया, विभूति खंड, गोमती नगर। मैं इमरजेंसी मेडिसिन में 6 महीने से पोस्टेड हूँ। अभी 1 तारीख से मेरी COVID-19 में ड्यूटी लगी हुई है और कोरोना वायरस के फिलहाल हमारे पास 12 पेशेंट मौजूद हैं पॉजिटिव। सर, जब COVID-19 में आपकी ड्यूटी लगी थी तो उस समय आपने कैसा महसूस किया था? जब पहली बार मेरी COVID-19 में ड्यूटी लगी तो एक तरफ से तो मैं थोड़ा सा निराश था और दूसरी तरफ से मुझे अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे सीनियर बढ़ा रहे थे। बाद में जब मेरी ड्यूटी लग ही गई तो मैंने अपने बाहर के देखते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिलहाल इस ड्यूटी को अपने अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य को निभा सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी को वहां से नहीं हटवाया और मैं लगातार अपनी पूरी ड्यूटी मैंने मेहनत से किया। ये कोरोना वायरस है सर, इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं और इसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं? जो कोविड वायरस है इसमें क्या है कि पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले इसको लगातार 1-2-3 दिन तक कम से कम इसको बुखार आएगा और बुखार के साथ साथ इसको खांसी होगी और खांसी होने के बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर कोई भी मरीज पहले से कोई भी सांस की से अगर पहले से सांस की दिक्कत है किसी भी मरीज को, या कोई भी शुगर का पेशेंट है, या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या कोई अस्थमा का पेशेंट है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो वायरस है कितने साल के लोगों पर ज्यादा अटैक करता है? वैसे तो इस वायरस का यह है कि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें इनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन आजकल छोटे बच्चे 8-10 साल के लोगों को भी यह संक्रमित कर रहा है। तो आप लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं लोगों को इस समस्या से उबारने में, बावजूद इसके कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो डॉक्टर्स पे, पुलिस स्टाफ पे हमला कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डॉक्टर पे और जो पुलिस प्रशासन पे जो इस तरह के हमले हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नया कानून बनाया है, अगर कोई भी डॉक्टर पर या कोई भी नर्सिंग स्टाफ पे कुछ भी इस तरह की हिंसा करता है तो उसको 5 साल की सजा व 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सर, आप छुट्टी लेकर के भाव में आए हुए हैं और आप डॉक्टर भी हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों से इस वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना बचाव रखें? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन को फॉलो करें। कोई भी इंसान घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और घर में घुसे तब अपने आप को तुरंत सैनिटाइज करें। सैनिटाइज नहीं कर सकता तो कम से कम अपना हाथ, अपना पैर, अपना मुंह अच्छे तरीके से धोए और बराबर हर 15-20 मिनट तक धोता रहे। और अगर किसी को कोई भी जरा सी दिक्कत सांस लेने में या कुछ भी गले में लगता है कि कुछ अटका हुआ है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।